अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी किस्म की वीडियो और एक रेस्टोरेंट का तारुफ लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और यकीनन जो पिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं उनको तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी, पसंद आएगी और वो ज़रूर इस रेस्टोरेंट का विज़िट करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसे रेस्टोरेंट होटल का हवाला कभी आप लोगों को नहीं देती जिनके खाने टेस्टी ना हों या सफाई का अच्छा इंतज़ाम ना हो। हमेशा मैं सब चीज़ें देख के और एक से दो विज़िट करने के बाद ही हमेशा आप लोगों को वहाँ का बताती हूँ ताकि आप लोगों के मेरी वीडियो काम आए। तो आज हम लोग गए थे इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम था इंचेंटियो। पता नहीं अभी मैं नाम सही ले रही हूँ या नहीं ले रही, लेकिन यही नाम है, आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। और ये DHA में वाकया है रेस्टोरेंट, और DHA 1 में है, और चूँकि वो मेरे घर के बहुत करीब पड़ता है इसलिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट की है। करीब पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक खाने अच्छे ना हों, टेस्टी ना हों। तो आप लोग लाजमी यहाँ का विज़िट कीजिएगा। अगर आप बुफे डिनर करेंगे तो फिर आपको पर हेड जो है वो 1800 का पड़ेगा, यानी 1800 रुपये का पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँगी कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा टेस्टी हैं, आप लोग फिर वही चीज़ें मंगवा लीजिएगा। तो यहाँ 1 by 1 मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ें मिकदार में डिश में सबसे ज़्यादा कम में वही टेस्टी थी, यानी कि मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और इसके अलावा चिकन कढ़ाई इनकी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी जो कि लाहौरी चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और पेशावरी चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी थी। पेशावरी चिकन कढ़ाई तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आप बुफे डिनर नहीं कर रहे, तो फिर आप जो है वो पेशावरी या लाहौरी चिकन कढ़ाई या फिर मटन जो है वो इनका लाजमी, मटन इनका किसी भी शक्ल में हो वो बहुत ही लाजवाब है, ज़बरदस्त है। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं साथ उनके नाम भी मेंशन है, और वहाँ से आप लोगों को ना जो लोग बुफे डिनर करते रहते हैं उनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मिकदार में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बार बार ख़त्म हो रही है, वो कौन सी चीज़ है। तो वही वो चीज़ जो है ना ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि बुफे डिनर हमेशा वही लोग करते हैं जो कि ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं ना, तो फिर उनको पहली ही जब आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसके खाने का अंदाज़ा नहीं हो सकता। आप लाजमी 3-4 विज़िट करते हैं तभी जाके आपको पूछ पूछ के देख देख के कुछ चीज़ें जो है ना उसमें से निकालनी पड़ती हैं कि कौन सी मज़ेदार है। और मेरा तो यही काम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये मेरे मुस्तकबिल का एक ख्वाब है कि मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाऊं और मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब जो है वो वर्कर्स रखूं, और फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने, और बिल्कुल इस तरह का एक छोटा सा सेटअप, कोई बड़ा सेटअप नहीं लेकिन इतना सा जितना ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये मेरा ख्वाब है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं अगर मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी, ये मेरे दिल के बहुत करीब काम है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मतलब इस किस्म की एक सेटअप बनाऊँ और मैं वहाँ पे इस तरह से सारा खाना ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि खाने मुझे बहुत पसंद है और खाने खिलाने मुझे बहुत पसंद है। और फिर ये चीज़ जो है ना, मैं हर जगह जहाँ पर भी जाती हूँ मैं लाजमी ये चीज़ें नोट करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो फ्रेश किस्म का सलाद था ना उसको तो कोई कम ही लोग पूछ रहे थे, लेकिन ये है कि ये सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल में डिश होती है जिसको आपको बहुत ज़्यादा जिसे खाना चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है ना। अच्छा ये पास्ता इनका गज़ब का पास्ता था, ज़बरदस्त किस्म का ना, और इसमें जैतून उन्होंने डाली हुई थी, और ये क्रीमी सा पास्ता था, नाम क्या था इसका, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और साथ में हाल में मेंशन भी नहीं था। इसको आप सलाद के तौर पे यानी कि यूज़ कर रहे थे लोग वहाँ पे ना। और इसके अलावा जो है वो जो रशियन सैलेड था उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड थी, ये बार बार आ रहा था और ख़त्म हुए जा रहा था,
अच्छा, खाना खाने से पहले मैंने खूब अच्छा सा होमवर्क किया, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है करना। इतने सारे लोगों में आपका बार बार वहाँ जाना आना एक मुश्किल काम होता है, और वीडियो बनाना तो और भी मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने वीडियो बनाई और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जो है वो पहले अच्छे तरीके से हर खाने को मैंने देखा कि यहाँ पे मैं मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। उसके बाद ही, क्योंकि हमारे साथ एक गेस्ट भी था और हम उस गेस्ट के साथ ही गए थे, उसको लेके गए थे, और पिछले पूरे वीक से तकरीबन ये हमारा तीसरा चौथा विज़िट था, जो कि मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में था। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा कहीं पे मन नहीं किया, क्योंकि जहांगीर बाल्टी हम बार बार जाते रहे, और जहांगीर बाल्टी में ना हम बाहर खाना खाते थे, बाहर बैठ के। तो वहाँ पे फिर आपको पता है कि वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पे भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि जहांगीर बाल्टी का खाना अच्छा होता है, स्पेशली उनके नान जो है ना वो बहुत ही ग्रेट हैं। उनके साथ बंदे को भूख ना भी लगी हो तो पता नहीं कितनी बंदा रोटी खा जाता है। तो नान उनके भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत वैरायटी थी नान्स में, आप जो भी चॉइस कर सकते थे, जो भी खा सकते थे आप, यानी कि जो भी मांग सकते थे वो हर चीज़ यहाँ पे दस्तियाब थी। अच्छा, जो इनका मेन्यू था मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कीमत के साथ बहुत स्लोली जो है ना इसकी वीडियो बना ली है। आप वीडियो पूरी फुल देखिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो आपको इसकी कीमत और इसकी जो भी जो डिशें हैं ना सारी, वो सारी आपको समझ आ जाएंगी कौन कौन सी हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने रात खाने को एंजॉय किया। रात का खाना हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन खाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस खाने से नवाज़ा। और फिर वहीं से ट्रीट में ही हम लोगों ने बहुत अच्छी एक लंबी वॉक की, क्योंकि पिंडी का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बहुत प्यारा हो रहा है। बारिश हुई है बहुत तेज़ रात के टाइम पे, और रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और एसी तो हमारे माशाल्लाह वैसे भी कई दिन से एसी नहीं चल रहे। यहाँ रावलपिंडी में मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। तो अच्छा, खैर मैं इनकी फैमिली डील्स की भी, और चिकन में क्या क्या है वो भी, और इसके अलावा जो है वो अगर आप चाइनीज़ पसंद करते हैं तो उसमें क्या क्या है वो भी सारा मैंने यहाँ पे मेन्यू में जो है ना, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ वीडियो देखते हुए, और फिर आप तसल्ली से बैठ के बाद में उसको देखिएगा। लेकिन एक मेरी नसीहत याद रखिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, ये नहीं कि आप जो है वो स्क्रीन शॉट लेते जाएं और मेरी वीडियो बंद करते जाएं। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं बहुत हाल में 50% लोगों ने भी, बल्कि 30% लोगों ने किया हुआ है, बाकी सब नहीं करते। तो ये तो फ्री होता है, तो जब आप करेंगे तो इसके अलावा भी आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहेगी, और हो सकता है कि कोई ना कोई वीडियो आपको क्लिक कर जाए, पसंद आ जाए, तो मेरा ये छोटा सा चैनल जो है ये बड़ा चैनल बन जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, कभी ना कभी तो हमारी भी कोई वीडियो वायरल होगी इंशाल्लाह। तो इससे पहले एक वीडियो मेरी बहुत अच्छे व्यूज़ लेके आई है, चिकन पास्ता, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। वो मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर की रेसिपी है, खुफिया रेसिपी है जो कि मैंने बनाई है, और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है मुझे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे जो है ना हम मीठे को एंड पे एंजॉय कर रहे थे, और मीठा इनका मैं बता नहीं सकती कि जो गुलाब जामुन टेस्टी थे ना, बस मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। और जो लाहौरी खीर इनकी टेस्टी थी ना, बस मैं क्या बताऊँ, बस दिल चाह रहा था कि किसी तरीके से इनके किचन में घुस के ना, किचन तक कई ज़रूर हूँ लेकिन मतलब वहाँ मतलब मैंने देखा कि कहाँ पे खाने वाने बन रहे हैं, लेकिन रेसिपियाँ मतलब आप लोगों को पता ही है कि इतनी आसानी से ना मिलती हैं ना दी जा सकती हैं। लेकिन फैमिली भी साथ हो और फिर थोड़ा मेहमान भी साथ हो तो फिर बड़ा लिहाज से रखना पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं, लेकिन इस खीर की रेसिपी ज़रूर निकलवाने की कोशिश करूँगी मैं। और जो आपने मिंट वो देखा ना शुरू में वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप लोगों ने जो ड्रिंक देखा ना वो मेरी 7 अप अभी भी और पड़ी हुई है फ्रिज में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जो है वो पहले बना के पीना है फिर उस पर रेसिपी बनानी है इंशाल्लाह ना। तो वो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मैंने सिस्टर के घर जो है अभी पिछले कुछ टाइम पहले उन्होंने पार्टी अपने घर में दी थी, तो मैंने उनके घर में भी वो ड्रिंक पिया था। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह।